फिर सबसे ये सोच रहे मेरे टाइम में बस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे टेक्नोलॉजी बाय आशीष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर आपका पीसी ऑन ही ना हो तो क्या करें। मतलब आप अपना पीसी ऑन करते हो तो वो 2 या 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है, तो उसे कैसे सॉल्व करें। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने ये पीसी को ऑन किया और ये अभी बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बंद हो गया अपने आप ही। सो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो का ज़रा भी स्किप ना करें। सो दोस्तों, देख लीजिए दोबारा मैंने ऑन किया पीसी। मैं पीछे से बंद नहीं कर रहा, देखिए ये अपने आप ही बंद हो जाएगा पीसी। देखिए दोस्तों, हो गया, अपने आप बंद हो गया ये। सो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो इसके लिए आपको सबसे पहले आप स्विच ऑफ कर लीजिए सेफ्टी के लिए, और आप पीसी का ढक्कन खोल लीजिए। सो पीसी ढक्कन खोल लेता हूँ मैं अपना। सो दोस्तों देखिए, सो पहले इसमें मिस्टेक किया है कि इसमें बहुत डस्ट जमा हो गया है, जाले वाले क्या क्या लग रहा है इसमें, इसको साफ़ करना होगा। पहले हमें इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए दोस्तों। तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से। इसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए कोई, तो ले लेते हैं। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से साफ करना, नहीं तो ये गड़बड़ कर सकता है। देखिए दोस्तों, साफ कर लेता हूँ मैं हार्ड डिस्क, पंखा वंखा सब अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, कितने डस्ट लग रहा है इसमें। इसको अच्छे से साफ करने के बाद हम कनेक्शन देख लेंगे कि कोई सा कनेक्शन निकला तो नहीं है, कोई कनेक्शन रिमूव तो नहीं हुआ। दोस्तों देखिए, वायरिंग तो सही है, लगभग सभी वायरिंग सही है। इसमें बहुत दिनों से डस्ट जमा हो गया था दोस्तों, और इसमें मॉइस्चर आने का डर भी होता है इससे। इसको ठंडी जगह पे ना रखे दोस्तों। अब दोस्तों हम रैम चेक करते हैं इसकी, इसकी रैम को निकाल लेते हैं हम एक एक करके। इसका दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि इसमें से कोई एक रैम भी ख़राब होता है ना, तो ये चलेगा नहीं। एक रैम ख़राब होने के वजह से भी ये चलते नहीं है, इसलिए हम एक एक रैम लगा के पीसी को ऑन करके देखेंगे। तो रैम को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ मैं। अब दूसरा रैम निकालूँगा मैं, दूसरा रैम को निकाल लेते हैं। रैम देखने में तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, नया लग रहा है। वैसे तो नया रैम लगाया था वैसे मैंने 1 महीने पहले ही। अब दोस्तों हार्ड डिस्क के पिन को रिमूव करके साफ़ कर लेते हैं, हार्ड डिस्क के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, देखते हैं। इसको आराम से निकालना दोस्तों, नहीं तो ये टूट भी सकता है। इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं अंदर से, पिन विन से। दोस्तों आप पे पिन हो तो पिन से साफ़ कर लेना,
ये तो साफ ही लग रहा है मुझे। ये हो गया ये, और ये है सिलिका। इससे हमारे पीसी में कोई मॉइस्चर वॉइस्चर नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक रहता है इससे पीसी। ये अक्सर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में देखा होगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में होते हैं ये अक्सर। तो ये आप पे ये ना हो तो टेंशन मत लीजिए, ये दुकान पे मिल जाता है। अब हम एक रैम लगा के पीसी को ऑन करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, रैम को ध्यान से लगाना वरना ये टूट भी सकता है, ये बहुत नाजुक होता है। इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ इसमें। ये फिक्स करने के बाद इस पीसी को ऑन करता हूँ मैं। अब स्विच लगाता हूँ मैं ऑन, यूपीएस चालू हो गया। देखिए अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ये सप्लाई पावर आ गए। देखिए दोस्तों कुछ भी शो नहीं कर रहा है अभी तो, ये मॉनिटर ऑन हुआ है अभी तो, सीपीयू में पावर ही नहीं आया। देखिए दोस्तों फैन चालू हुआ है। अगर फैन चालू हो के अपने आप बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि रैम खराब है। देख लेते हैं, देखिए फैन तो वर्क कर रहा है, देखते हैं ये बंद होता है या नहीं, इसके लिए वेट करना होगा। तो वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बंद हो चुका है फैन, मतलब कि हमारा ये एक रैम खराब हो चुका है। अब हम दूसरे रैम को लगा के देखेंगे। दोस्तों ये मैं बंद नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा हो कि मैं बंद कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैं बंद नहीं कर रहा है पीसी, ये अपने आप ही बंद हो रहा है। ये एक रैम ख़राब हो चुका है हमारा। अब मैं दूसरा रैम लगा के आपको दिखाता हूँ। चलिए पावर को ऑफ कर लेते हैं पहले सेफ्टी के लिए। अब ये दूसरा रैम निकाल लगाता हूँ मैं। इस रैम को अब मुझे रिपेयर करना होगा, रिपेयर बाद में करूँगा मैं, आपको मैं रिपेयर करना भी सिखा दूँगा रैम और हार्ड डिस्क। अब मैं इस रैम को लगाता हूँ दूसरे रैम को और देखते हैं इस रैम से काम बनता है या नहीं। पावर ऑन करता हूँ मैं यूपीएस, सीपीयू का पावर ऑन करता हूँ मैं। देखिए सीपीयू में लाइट आ चुकी है दोस्तों, लग रहा है बात बन गई। देखिए दोस्तों बात बन चुकी है, हमारा पीसी ऑन हो चुका है। सो दोस्तों हमारी पीसी की थोड़ी स्पीड डाउन हो जाएगी, थोड़ी लो हो जाएगी हमारी पीसी की स्पीड, बिकॉज हमने एक ही रैम लगाया है इसलिए। दोस्तों स्पीड अच्छी खासी दिख रही है अभी तो, बट पहले जैसे स्पीड नहीं रही अभी इसकी। अब पीसी बंद नहीं हो रहा हमारा। देखिए अगर आप जब भी आपका पीसी अपने आप ही बंद हो जाए बीच में तो आप समझ लीजिए कि रैम ख़राब है आपकी पीसी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं ऐसे अलग अलग वीडियो, काम की वीडियो बनाते रहता हूँ और अपलोड करते रहता हूँ। सो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सो देख दोस्तों देख सकते हो आप स्पीड बिल्कुल धीमी हो चुकी है इसकी। दोस्तों पीसी तो ऑन हो चुका है, ये पीसी देखिए दोस्तों पिन डाल लेता हूँ मैं अपना।
फाइनली हमारा पीसी ऑन हो चुका। स्पीड बहुत धीरे है दोस्तों इसकी, क्योंकि मैं 1 GB में चला रहा हूँ अभी अपनी पीसी में। मैं अभी 1 GB की रैम लगी है, 1 GB 1 GB की खराबी हो चुकी है मेरी रैम। देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी बाय आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।